भाई मेरा बैग लेके कहाँ जा रहे हो? We're going to my home and after we hello hello कभी नहीं आना। वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे खाना हाथ से खाते हैं। नहीं don't eat with hand क्योंकि यहाँ सब लोग पोर्चुगीज बोलते हैं। तो ये कंट्री यार अपने नेबरिंग कंट्री से काफी ज्यादा अलग है। बनाना एंड कैशियो? नो दिस इज फॉर वन स्पीक पोर्चुगीज। पोर्चुगीज हुई। हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ सदर्न सेनेगल के सबसे बड़ी सिटी जिगन शोर में। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं गाम्बिया से वापस सेनेगल आ गया था और इस टाइम मैं अगली कंट्री जाने का जिसका नाम है गिनी बिसाऊ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अभी अपने होस्ट के लोकेलिटी में हूँ। बोंजोर बोंजोर। और ये मेरे होस्ट इब्राहिमा। तो आप लोगों को नई कंट्री के बारे में बहुत सारी बातें बतानी है। अभी मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ। यहाँ से टैक्सी लेके गराज जाऊंगा, गराज जहाँ से मेरे को शेयरिंग कार या जो भी मिलेगी अगली कंट्री जाने के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी उतनी ज्यादा है। ओके ब्रो, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग। यस यस यस, आई होप टू मीट यू अगेन। बाय 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 बाय। वही गराज से जब यहाँ पे आया था 1000 सेफा लिया था, मैं वापस गराज जा रहा हूँ, 500 सेफा ही ले रहे हैं। जिगन शोर से ना सेनेगल एंड गिनी का बॉर्डर बहुत ज्यादा पास है, बहुत नजदीक है, जस्ट 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर में हम यहाँ से गिनी के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। अब मैं गिनी बिसाऊ जा रहा हूँ। गिनी बिसाऊ की कैपिटल का नाम है बिसाऊ। फिर बॉर्डर से कैपिटल का डिस्टेंस सिर्फ 130 किलोमीटर, यानी कि जिगन शोर से बिसाऊ टोटल 150 किलोमीटर है। तो आधे घंटे में बॉर्डर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेलिटी वगैरह होगी बॉर्डर क्रॉसिंग की। वीजा ऑलरेडी मैंने दकार से ले लिया था गिनी बिसाऊ का, आप लोगों को मैंने बताया था। ये कंट्री ऐसी है जो कि बहुत ही लीस्ट विजिटेड कंट्री है अफ्रीका में, बहुत ही कम लोग जाते हैं। आप लोग में से बहुत लोग नाम भी नहीं सुनोगे गिनी बिसाऊ के बारे में। गिनी का नाम सुनते ही ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। जब मैंने भी पहली बार गिनी का नाम सुना था तो मैं काफी कंफ्यूज हो गया था। वर्ल्ड में 4 कंट्री ऐसी है जिनके नाम में गिनी है। पहली कंट्री गिनी बिसाऊ जहां मैं जा रहा हूं, दूसरी कंट्री गिनी जो कि गिनी बिसाऊ की नेबरिंग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में ही, तीसरी कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है, और चौथी कंट्री है पपुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। बहुत लोग साउथ ईस्ट एशिया भी इस कंट्री को बोल देते हैं। नो तो दू बाबा कर पूजा, बाबा कर बाबा पूजा। वेस्ट अफ्रीका में मेरे ये चीज बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगा कि आपको कहीं से भी कहीं जाने के लिए ना अलग अलग जगह भटकना नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे या स्टेशन पे जाना नहीं है। कोई भी सिटी हो ना उस पर एक सेंट्रल गराज होता है, उस गराज आप जाओ, उस गराज से ना आपको सब जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वहीं से मिलेगा, चाहे नेबरिंग कंट्री हो, चाहे कोई सिटी हो, चाहे कहीं भी हो। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। ये कोई मेन कारा 4 है यानी कि चौराहा है जिगन शोर का। तो भाई गराज पहुँच चुके हैं। गराज में ज़्यादातर कार सेफ्ट प्लेस है यानी कि 7 सीट्स वाली हैं। बिसाऊ बिसाऊ भाई तो पहुँचते ही भाई मेरा बैग लेके कहाँ जा रहे हो? वेट वन मिनट, पे मनी वेट। यस मर्सी मर्सी बुकू। यस कम भाई, ये अलग बुला रहे हैं, ये अलग किसे, किसका कस्टमर हो? उस कस्टमर आई है, वेयर आई गो? ही पे 2 प्लस 2 प्लस भाई किधर, कार के अंदर ही बैग उठा लिया, लेके चलने लगे भाई मेरे बिना उतरते ही। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे दिस स्मॉल कार, स्मॉल कार सब प्लेस आई गो डायरेक्ट टू बिसाऊ फ्रॉम हियर टू बॉर्डर, बॉर्डर टू बिसाऊ टू पे 50 मिल ओवर। भाई आप कहाँ लेके जा रहे हैं? कार इज फुल। ओके ऐसी कंडीशन काफी खराब है, वेरी वेरी बैड कंडीशन। दैट कार न्यू इज ओल्ड? कम कम। ओके आई कम। You want to sit here, yeah. But you have to give him something. 1,000 pour moi pour plus. For here is taking 1,000 more. Oui. This is a garage. That's a demi. Back का भी अलग से. Give it to him 200. तो भाई back की हालत ये हो चुकी है. No, no. Mercedes. तो भाई 150 किलोमीटर का 4,000 सेवा यानी कि 500 ऊपर से 500 सेवा फ्रंट सीट का और 500 सेवा इन्होंने बैक का लिया, सब मिला के 5,000 सेवा।
सो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक नई कंट्री में जिसका नाम है गिनी बिसाउ। इस ट्रिप की सिक्स्थ कंट्री और मैं गिनी बिसाउ की कैपिटल बिसाउ पहुंच चुका हूं। कंट्री का नाम गिनी बिसाउ, कैपिटल का नाम बिसाउ। आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। मैं जस्ट अभी कैपिटल पहुंचा हूं, बहुत रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूं। अभी मेरे पास लोकल सिम कार्ड तक नहीं है, मैं कोई से कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी गैराज पहुंचने वाली है, गैराज से शायद 1 किलोमीटर हम लोग पहले हैं। अभी वी गो गैराज नाउ। आई कैन बाय सिम कार्ड फ्रॉम गैराज, सिम कार्ड फ्रॉम गैराज। एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे ही हम लोग कैपिटल पहुंचे हैं बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। हाउ आर यू मिनरो? आई एम फाइन एंड यू? फाइन। या हाउ इज ट्रैवल? वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। या ओके, थैंक यू। We will go there. Okay, okay. So guys, ये मुनीरो है। मुनीरो, मुनीरो। तो यहाँ के लोकल, या लोकल ऑफ बिसाउ। तो इनके यहाँ मैं रुकने वाला हूँ, ये मेरे को यहाँ पे गैराज लेने आए हैं। अब हम लोग इनके घर जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, टैक्सी ले लिया है। We go into my home and after we, if it cannot raining, we go in to see something. Although गिनी बिसाउ फ्रेंच के द्वारा कॉलोनाइज नहीं किया गया था, यहाँ की हिस्ट्री अलग है। पोर्चुगल ने गिनी बिसाउ को कॉलोनाइज किया था, तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इज पोर्चुगीज। पोर्चुगीज, उसके बावजूद यहाँ की जो करेंसी है वो फ्रैंक है, यानी सेफा है, जो नेबरिंग कंट्रीज में CFA फ्रैंक। माली सेनेगल वही सेम करेंसी यहाँ पर भी चलती है, गिनी बिसाउ में भी यू यूज सेफा। तो मेरे को करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऑल दो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो पोर्चुगीज है, बट जो लोकल लैंग्वेज है ना, जैसे कि सेनेगल में वोलोफ थी, माली में बमारती, वैसे यहाँ पर है क्रियोल। क्रियोल इज वेरी सिमिलर टू पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज बेस्ड लैंग्वेज है क्रियोल, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा वो बोली जाती है यहाँ पे। माली, गाम्बिया एंड सेनेगल में जो सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप थी फूला, वो फूला गिनी बिसाउ में लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। मेरा फर्स्ट टाइम है कोई भी गिनी कंट्री में। योर फर्स्ट टाइम? यार माय फर्स्ट टाइम। सेंट्रल बैंक ऑफ बिसाउ। ओके, इनके घर के एरिया में पहुंच चुके हैं। टैक्सी वाले ने 1000 सेफा लिया और बारिश भी रुक चुकी है, बहुत ही माइनर बूंदें पड़ रही हैं। दे सेलिब्रेट एन एग। यस। Here, how do you say hello? Hola. Hola. Like Portuguese. Hola. How do you say yes here? Sing. 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 Sing means yes. Yes. In Portuguese also, in Creole also. In Portuguese and Creole. And no is? No is now. No. Now. 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 Yeah. Sing and now. Now. Sing and now. Now. Okay. And some people. Okay. भाई इनके घर आ चुके हैं। Hola. How do you say how are you? Uma kabusta. Uma. Kabusta po. And how say good? Bong. Good. Bong. Kabusta po. Kabusta po. Yeah. Kabusta po was mean I'm good. Your mother? Yeah, it's my mother. Nice to meet you. Kabusta po. And there is room. Okay. Enter, you can enter. So भाई इनका रूम है, ये काफी सारे रूम है इस घर में। From other side, the people live in there. Huh? They pay with month to help for my mother-in-law. Oh. Because she made the home. Okay. Home. They pay the rent. They live and pay the rent. Yeah. Okay. So it's like your house. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Muniro. तो भाई कुछ ऐसा neighborhood है, सब लोग यहाँ पे एक दूसरे के बाल बना रहे हैं। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, मैं मुनीरो के साथ निकला हूँ, जा रहा हूँ सिम कार्ड लेने, कुछ खाने भी। सुबह थोड़ा बहुत यार खाया था कुछ बार वगैरह, चॉकलेट बार वगैरह, कुछ खाया भी नहीं, ठीक से मौका मिला नहीं। मैं अराउंड 9 बजे निकला था जुगनशोर से, अराउंड 10 बजे के आसपास बॉर्डर पहुँच गया था। बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ईजी हुई, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया सेनेगल की तरफ से भी और गिनी बिसाउ की तरफ से भी, मतलब कि दोनों तरफ से हेलो हेलो। तो 5-5 मिनट लगे दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग में, प्रॉब्लम उसके बाद हुई। वेयर आर वी गोइंग नाउ? आई थिंक सो वी गो टू द मार्केट बाय सम सिम कार्ड। ओके, ऑल द टैक्सीज आर इन आवर सिटीज। तो भाई सिटी सेंटर आ चुके हैं बिसाउ के, देखो काफ़ी मिक्स टाइप का यहाँ पे आर्किटेक्चर है, कुछ नई बिल्डिंग्स, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। ओ काफ़ी लिस्बोआ।
कैपिटल ऑफ पोर्चुगल इट्स क्लोज या तो काफ़ी कुछ यहाँ पे नाम वगैरह पोर्चुगल और पोर्चुगीज से रिलेटेड मिल रहा है वाई मैनी शॉप्स आर क्लोज इट्स नॉट संडे बट वाई ये फ्रॉम हियर 5 o'clock इट्स क्लोज क्लोजेस ओके दे स्टार्ट अर्ली एंड क्लोज अर्ली ओके भाई शॉप है ये ऑरेंज की यहाँ से सिम कार्ड लेते हैं सुपर मार्केट भी है सिम कार्ड भी है सब साथ में वाह काफ़ी सही सुपर मार्केट लग रहा है काफ़ी सामान यहाँ पे मिल रहे हैं देखो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मॉरिटानिया से लेकर अभी तक मॉरिटानिया माली सेनेगल गाम्बिया गिनी बिसाउ इन सब कंट्रीज़ का जो टाइम है ना टाइम जोन सेम अभी तक मेरा टाइम जोन चेंज नहीं हुआ है सारी कंट्रीज़ GMT या UTC 0 पे है और इंडिया से 5.5 घंटे पीछे हैं ऑल द नेबरिंग कंट्रीज दे आर द सेम टाइम जोन कैशियो एंड लेमन ओके मेरे को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गोवा वाली फीलिंग आ रही है वहाँ का फील यहाँ का सिटी दे रहा है सो गाइस सिम कार्ड परचेज कर लिया हूँ मैं ये बोल रहे हैं पहले सिम कार्ड 500 का मिलता था अब सिम कार्ड मेरे को मिला है 1000 सेफा का उसके बाद रिचार्ज कराना पड़ा यहाँ पे इंटरनेट सेनेगल से तो महंगा है लेकिन गाम्बिया से सस्ता है यहाँ पे मैंने 10 GB रिचार्ज कराया हूँ 4G इंटरनेट मेरे को पड़ा है 10,000 सेफा का यानी कि लगभग 1200 रुपये के आसपास 120 रुपीज़ पर गीगा तो भाई यहाँ पर भी सेनेगल और बाकी कंट्रीज वगैरह कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे हर जगह इस टाइप की अभी तक नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ तक मैं था चाहे मॉरिटानिया हो माली हो सेनेगल हो गाम्बिया हो सब जगह जो पॉपुलेशन थी ना 90% से भी ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते थे वहाँ पे बट गिनी बिसाउ में क्या है यहाँ पे अराउंड 40% के आसपास ही लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं बाकी 20% के आसपास क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और बाकी जो बचे 30-40% वो इन लोगों का खुद का कोई रिलीजन उसको फॉलो करते हैं हेलो बनाना बनाना एंड कैशियो बनाना हाउ मच फॉर बनाना सेंसिंग वन हाँ सेंसिंग वन हाउ मच फॉर बनाना 150 होल और वन पीस कौन सा सेंसिंग वन कांदो के सर किल ले रहा हूँ भाई 150 सेफा में दे रहे हैं तेज का फिल्म है नंबर का पास ओके 150 हाँ नो दिस इज फॉर वन एज यू सोइंग एक ओके ओके 150 सेफा का वन पीस केला कुछ लग्जरी कार भी यहाँ सेंटर में दिख रही हैं हाँ तो भाई इनकम्प्लीट बात को कंप्लीट करता हूँ मैं जब हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग कर लिए हम लोग का इमिग्रेशन वगैरह हो चुका जिगिन शोर से बॉर्डर तक तो रोड पूरी बहुत अच्छी थी सेनेगल में जैसे ही हम लोग बिसाउ के अंदर आए गिनी बिसाउ के अंदर आए पूरी रोड खराब आप लोग देख सकते हो पूरा रस्टी रोड गाड़ी इतनी हिल रही है इतनी पलट रही है डर लग रहा था गाड़ी पलट ना जाए भाई हर जगह पानी भरा हुआ है 130 किलोमीटर का पूरा रास्ता खराब मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे लगने चाहिए थे लग गए 5 से 6 घंटे यहाँ तक आने में अजीब चीज़ ये लगी मेरे को इवन नेबरिंग कंट्री से प्रॉब्लम है यहाँ पर भी है भाई पूरा बॉर्डर से लेकर यहाँ तक 10 से 15 बार गाड़ी रुकी होगी सबकी आईडी हर चेक पोस्ट पर चेक हो रही है पूरा लगेज चेक हो रहा है बहुत अनॉइंग था भाई बार बार हर 15-20 मिनट में आधे घंटे में गाड़ी रुक रही चेकिंग हो रही है यहाँ बिल्डिंग्स देखो भाई कॉलोनियल एरा बिल्डिंग भाई यहाँ पूरा पोर्चुगीज़ के कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है ये पोर्चुगीज कॉलोनी पीरियड गिनी बिसाउ का पहले का नेम था पोर्चुगीज गिनी प्रीवियस नेम पोर्चुगीज गिनी 1973 में इस कंट्री ने इंडिपेंडेंस लिया पोर्चुगीज से पोर्चुगल से लगभग आज से 50 साल पहले उसके पहले पोर्चुगीज गिनी इस कंट्री को बोला जाता था बहुत सारी कंट्रीज की इमिग्रेशन के वेबसाइट में लिखा हुआ है कि गिनी बिसाउ में वायलेंट क्राइम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और कभी हो सकता है फॉरनर्स के ऊपर बट यार यहाँ पर मैं आया हूँ रास्ते में प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को डाउट हो रहा था बट जब से यहाँ पे कैपिटल आया हूँ यार लोग काफ़ी फ्रेंडली लग रहे हैं ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है बट कुछ कह नहीं सकते हैं तो भाई कोई मॉन्यूमेंट है यहाँ पे लोग यार टाइम पास कर रहे हैं बैठ के व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट एम्पेरियो इट्स लाइक इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट ओके एंड प्रेसिडेंट्स लिव्स देयर इन दैट हाउस भाई इसके पीछे जो एक घर दिख रहा है कॉलोनियल एरा का घर उसमें यहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं गिनी बिसाउ के फ्लैग भी लगा हुआ है गिनी बिसाउ का मुनीरो What do you do? I'm agent of custom. You, from here. You work in Guinea Bissau custom? Yeah. Okay. That is my card. Oh, your card? My card. Yeah. Custom card, huh? Yeah. Okay, by government. Yeah. So, Bissau, jo city hai na, ye is country ki capital bhi hai, largest city bhi hai, aur political hub bhi hai, economical hub bhi hai, har tarike ka hub hai ye.
यही बड़ी सिटी, बाकी सब छोटी छोटी सिटी है इस कंट्री में। तो भाई अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे ये लोकेटेड है, शिपिंग पोर्ट यहाँ पर है, काफी बड़ा, कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट है। यू वर्क इन द बिसाऊ पोर्ट और एयरपोर्ट? Airports. No, I'm in port. In the port. Okay. So you work in the port custom in the port custom. At the Atlantic Ocean. Yeah, yeah. Okay. So guys, एक कैफे आए हुए हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। कुछ ऐसा मेन्यू है इसका, देखो सब कुछ पोर्चुगीज में लिखा हुआ है। तो ये खाने को मंगाया हूँ मैं, ये ऑमलेट है, पोटैटो फ्राई है, सैलेड है और ये ब्रेड है। इतना इन्होंने मेरे को दिया है 2000 स्टेफा में। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ये वीडियो मैं कल के दिन से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ये मेरे होस्ट मुनीरो। मुनीरो तो बोल रहे हैं यार मौसम ख़राब हो रहा है, कभी बारिश हो सकती है, चल के कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। मैनी पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल हियर। हेलो हेलो, काफ़ी लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, सुबह का टाइम है। बंदिया क्योंकि यहाँ सब लोग पोर्चुगीज बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को बॉम दिया। कल रात नेचुरली 10 बजे के आसपास मैं और मुनीरो यहाँ पे लोकल निकले थे, तो मैं काफ़ी शॉक्ड हुआ जब यहाँ मैंने देखा कि नाइट लाइफ अजीब सी है यार, मतलब कि एकदम सब कुछ काफ़ी यूरोपियन कल्चर टाइप का यहाँ पर है। लोग डांस कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं, खा पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सब कुछ लग रहा था मैं अफ्रीका में नहीं कोई यूरोपियन कंट्री में। रात में ऐसा लग रहा था, मैं कैमरा लेके निकला नहीं था क्योंकि काफ़ी डार्क था। मेरा कैमरा रात में भाई जवाब दे जाता है, ठीक से रिकॉर्ड कर नहीं पाता, इसका सलूशन मेरे को निकालना पड़ेगा कुछ। तो ये कंट्री यार अपने नेबरिंग कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अलग है। पूरे गिनी बिसाऊ कंट्री में सिर्फ दो ही टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है, पहला ये टैक्सी, दूसरा ये मिनी बस। मिनी बस तो नहीं है बट बस टाइप की है, छोटी बस है ये। देखो यहाँ पे सारी टैक्सी का कलर सेम है, ब्लू एंड वाइट, और पूरी कंट्री में शेयर टैक्सी चलती है जब तक आप प्राइवेटली बुक ना करो। और व्हाट डू यू कॉल द बस हियर, पब्लिक बस? तोका तोका। यहाँ पे बस को ना उसको यहाँ पे बोलते हैं तोका तोका, बहुत सस्ती है। कम डिस्टेंस का 100 सेफा, ज्यादा डिस्टेंस का 200 सेफा, तोका तोका। भाई वापस घर की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिया हूँ। ऑल्दो अभी हम लोग कैपिटल में है लेकिन ये कैपिटल से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। तो लोकल घर है यहाँ पे, कुछ लोकल वुमेन, लोकल बच्चे। कल भाई यहाँ मैं फिसल गया था, ये देखो ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था, अभी तक वो निशान बना हुआ है। तो भाई लोकल लोग कपड़े धुलते हुए, बर्तन धुलते हुए, बच्चे लोग खेलते हुए। हम दे He's your nephew? Yeah. तो भाई इनकी सिस्टर का बेटा है ये। What's his name? Isaac. Isaac. Okay. So guys, मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। तो मैंने ये 500 ग्राम का कॉर्नफ्लेक्स लिया हूँ, ये 2500 सेफा का है। इंडिया से कंपेयर करें तो 3 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली पड़ा है मेरे को यहाँ पे। ये 1 लीटर मिल्क है, स्किन मिल्क 1000 सेफा का, और ये मिक्स फ्रूट जूस भी ले लिया है कि चलो पीते रहेंगे। साथ में भाई ये पीने का वाटर ले लिया हूँ, यहाँ बड़ा बॉटल मिल नहीं रहा था तो 1.5 लीटर का पूरा 6 बॉटल का पैक ले लिया हूँ 2000 सेफा का। दूध यहाँ पे 125 रुपए लीटर है, बल्कि कुछ और पैकेजिंग में आता है वो इससे भी कॉस्टली है। सेनेगल में देख रहा था, सेनेगल में दूध अराउंड 200 रुपए पर लीटर के आसपास पड़ रहा था। काफी सारी मुर्गियां चलते हुए और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस कंट्री में अराउंड 40% मुस्लिम्स है, 20% क्रिश्चियंस है, बट ये बोल रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। Christians are more compared to Muslims. यही अपने आप में एक अलग कंट्री है अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज में, गिनी बिसाऊ। इसीलिए यहाँ पे कल्चर काफ़ी ओपन है, काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी यूरोपियन टाइप का कल्चर है बोल रहे हैं। नुआ दादा, नो इंग्लिश, ओके, यू मेक हर हेयर, ओके। तो भाई इनके हेयर बना रही हैं, काफ़ी देर से बना रही है, फ्रॉम लॉन्ग टाइम, फ्रॉम मॉर्निंग। भाई हम लोग गए थे लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं, तब से बना रही हैं, आई थिंक शायद पूरा दिन लग जाता है इन लोग का यार सबके हेयर बनाने में। ओ यू कट इट इक्वल, कट इट, स्पीक पोर्चुगीज, पोर्चुगीज, उई, सिंग सिंग, फिश एंड राइस, फिश एंड राइस, पहले फिश एंड राइस खा रहे साथ में।
यहाँ का लोकल फूड पूरे वेस्ट अफ्रीका में भाई सबसे पॉपुलर फूड है, सब जगह लोग यही खाते हैं, राइस एंड फिश एंड सम सॉस, पीनट सॉस। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे खाना हाथ से खाते हैं, कुछ लोग शायद स्कूल से खा रहे दिख जाएंगे लेकिन मैक्सिमम लोग हाथ से ही खाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेनू कैसे खाते हैं। गिनी बिसाऊ आने से पहले जब मैंने कई एम्बेसीज की वार्निंग पढ़ी थी कि यहाँ पे कंट्री सेफ नहीं है, बहुत सारे वायलेंट क्राइम है, फॉरेनर्स के लिए कंट्री बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट यहाँ पे आने के बाद ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं इस कंट्री में मेरे को आए, लोग काफ़ी फ्रेंडली काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं मेरे को, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है, जैसा इंटरनेट पे लिखा हुआ है, जैसा बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज बोल रही हैं वैसा मेरे को बिल्कुल भी यहाँ फील नहीं हो रहा है। मेरे को यहाँ पे अचानक से कुछ इंडियंस मिले जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग कैमरे में आना नहीं चाहते थे, मैं दिखा नहीं पाया, तो उनसे मेरी काफ़ी बातें हुई, उन लोग बोल रहे थे यार काफ़ी संभल के रहना यार, ये कंट्री बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो चीज़ इंटरनेट और एम्बेसीज की वेबसाइट्स पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा उन लोग बोल रहे थे। कुछ टाइम पहले यार कोई इंडियन दुकान बंद करके जा रहे थे, कुछ लोकल्स आके गन पॉइंट पर उनको लूट लिए, उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पर 8-10 शॉप लाइन से इंडियंस की है, अगले दिन ही कुछ काफ़ी लोकल्स आए गन पॉइंट पर उनको लूट लिया गया। तो यहाँ पर आने के बाद यार मैं काफ़ी सेफ फील कर रहा था, काफ़ी रिलैक्स था, बट उन लोगों ने यार काफ़ी मेरे को डरा दिया, कभी भी कोई भी आके आपको लूट सकता है, गन पॉइंट पर अटैक कर सकता है, यहाँ की पुलिस भी हेल्प नहीं करेगी बिल्कुल भी नहीं, पुलिस यहाँ की इनएफिशिएंट है, तो ट्राई करिए जल्द से जल्द घूम के गिनी बिसाओ के बाहर निकल जाइए, तो कुछ ऐसा लोग ने बोला यार, देखते हैं क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज आईडी मेरा नाम ही है तो वर्षो, जो नीचे लिख के आ रहा है, आप लोगों को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।